हम अब दादा के घर की ओर बढ़ रहे हैं और दोस्तों गांव का जीवन इतना स्वास्थ्यवर्धक, इतना शुद्ध पर्यावरण की दृष्टि से, हर दृष्टि से अगर आप कहेंगे तो यहाँ की शांति, यहाँ की शुद्धता और यहाँ का यह हरा भरा परिवेश आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। एक अच्छी सड़कें, हमारे बच्चे छोटे छोटे इतना है बहुत इसको पता मिल रहा। शहरों के शोरगुल से बिल्कुल दूर अपने ही जीवन में मस्त हमारा बनवासी परिवार और उनका यह आशियाना, जैसा कि मैंने बताया, किसी स्वर्ग से कम नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे देखिए ये हमारा पूरा का पूरा और देखिए ये लकड़ी से बने बाड़ा जो बस्तर में अमूमन आपको हर गांव में देखने को मिल जाएगा। देखिए ये मुर्गियां अपने चूजों के साथ जीवन चक्र को, पशु पक्षी अपने तरीके से ही जंगल के इस क्षेत्र में जीते हैं। ये सूखी लकड़ियाँ और यह वैसे तो दुनिया की नज़र में इसे सबसे सेंसिटिव बेल्ट के नाम पे कहा जाता है, लेकिन जब आप ऐसे क्षेत्रों में आते हो और हमारे कर्मा दादा जैसे परिवार से जब आप मिलते हो तो आपकी सारी भ्रांतियाँ, सारे भ्रम टूट जाते हैं। आत्मीयता एक ऐसा संबंध है जहाँ पर आप सारी चीज़ों को अपने हृदय में समा लेते हो। इस खूबसूरती में जब भी आपको मौका मिले मैं आग्रह करूंगा आप अवश्य आएं और गांव के इस शुद्ध वातावरण, इस शुद्धता को एक बार अवश्य जिएं। आपके मनस पटल पर एक ऐसा छाप ये छोड़ेगा जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। दुबेली का यह सुंदर दृश्य, ये पूरी की पूरी पहाड़ी और ये महेश कर्मा भैया का गांव है
जहाँ महेश कर्मा भैया बच्चों को शिक्षित करने के लिए बहुत सारा काम करते रहते हैं, और इस तरीके से गांव की यह सुंदर तस्वीर मैं आपको इसी तरीके से निरंतर अनछुई अनकही और अनदेखी तस्वीर को आप तक इसी तरीके से निरंतर रखता रहूँगा। ये देखिए, हम भैया के घर दादा के साथ प्रवेश करने वाले हैं। सुंदर नज़ारा, और ये देखिए सुंदर सा इमली का वृक्ष पेड़, और इमली आप देख सकते हैं, ये इमली इसमें लगी हुई है, और दादा प्रवेश कर रहे हैं। ये है हमारा दुगेली। ये हम भैया के घर प्रवेश कर रहे हैं। देख सकते हैं महेश कर्मा निवास, साक्षरता कार्यालय, पंचायत दुगेली, माड़का पारा। भैया ने बड़े व्यवस्थित तरीके से अपने घर को सजा रखा है। आप ये ज़मीन देख सकते हैं, ये फर्श गोबर से लिपी हुई, गोबर मिट्टी से बिल्कुल साफ, और यही अमूमन हर घर में आपको हमारे बनवासी परिवार में देखने को मिलेगा कि साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं। अपने आंगन या प्रांगण जो भी आप कह लें, साफ सफाई का विशेष ध्यान हमारा या परिवार रखता है। ये बांस का पेड़ आप देख सकते हैं, है ना? किसी एक अगली कड़ी में मैं आपको बांस की सब्जी, जिसे यहाँ बास्ता का सब्जी कहते हैं, उसे भी मैं बनाकर दिखाने का प्रयास करूँगा। वो सीजनल होती है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको दिखाऊँ। हमारे बीच हमारी शांति दीदी जो है, ये जो है इसको खट्टा भाजी बोलते हैं, और ये फल देख रहे हैं, ये फल भी लगा हुआ है लाल रंग का। दीदी पूरा सामने से दिखाइएगा, इसी के पत्र को दीदी जो है तोड़ रही है, और इसी की रेसिपी आज हम लोग खाने वाले हैं। और साथ में इसमें देखिए ये छोटे टमाटर भी हैं, ये देखिए ये छोटे टमाटर इसके साथ मिला के, है ना, और ये रेसिपी जो बनेगा अपने बस्तर का। और ये दीदी का अपना बाड़ा है, और इसमें देखिए बहुत सारी सब्जियां लगी हुई है, और अभी इसी पत्ते से हम लोग जो है वो खट्टा भाजी बनाने वाले हैं। ठीक है, दिखाई दीदी, हो गया। देखिए कुसुम दीदी ही सारा सहयोग करती है, है? और वो देखिए ये पत्र को तोड़ा जा रहा है, और ये भैया का खूबसूरत ये बाड़ा, और देखिए ये लौकी भी यहाँ लगा हुआ है। आप देखिए ये लौकी है, और ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा सुंदर सा दृश्य हमारा दुगेली के इस प्रांगण में बसे महेश कर्मा भैया के घर का।
मित्रों, अगली कड़ी में आप देखेंगे यह जो पौष्टिक गोंड समाज द्वारा उपयोग में लाने वाला बैंगन के आकार का, बैंगन की तरह दिखने वाला, बिल्कुल छोटा, उसके पत्र भी बैंगन की तरह, फल भी बैंगन की तरह, और उसे किस तरीके से ये अपने रसोई में बनाते हैं वह हम आने वाले कड़ी में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहें आपके अपने चैनल विलेज राइडर के संग। जी हाँ, एक ऐसा राइडर जिसकी राइडिंग वनांचल क्षेत्रों के अंदरूनी गांवों में होता है, जहाँ वह हमारे अंदरूनी क्षेत्र के आदिवासियों के साथ घुल मिलकर उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनके जीवन चक्र से जुड़े हर एक चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में आप तक निरंतर बांटता है।